हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हॉस्टल वार्डन, जो स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम जैसे RBI वगैरह, बैंक वगैरह, SBI वगैरह, PO के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या SSC वगैरह में जो आजकल जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछते हैं, आप प्री में नहीं पूछेगा लेकिन आपको मेंस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो उन सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का सेशन जो है सिलेबस लगभग सेम होता है, कोई भी अलग नहीं होता है, ठीक है जी। तो उन सभी एग्जाम के लिए खास करके तो हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है क्वेश्चन को जैसे आपके एग्जाम में आता है हूबहू क्वेश्चन को जो है तैयार किया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को, ठीक है जी। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, ठीक है। कभी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, या आप इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कंप्यूटर का जो है दिमाग किसको बोला जाता है, या कंप्यूटर की मेमोरी किसको बोल, मतलब बहुत तरह से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है CU, ALU मेमोरी या CPU, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो कंप्यूटर का ब्रेन या मतलब कुछ भी घुमा के आपको पूछे, CPU आपको जो है आंसर लेना है। कई बार इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर का जो है मेन भाग होता है, ठीक है। इसका मस्तिष्क वही होता है। तो CPU याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, इसका ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखना है। कई बार ALU पूछा है, ALU बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो पहले बात तो इसका जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोला जाता है। इसको कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है क्या। इसके जितने भी कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन, जो गणितीय जो काम करते हैं, सब ALU के हिसाब से होता है, ठीक है। ALU आपको जो है नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सभी जो है ALU काम करती है, ठीक है। कंप्यूटर के भी एक तरह का मेन भाग होता है, सभी गणितीय जो क्रियाएँ इसे भी मैं आपका जो है करती है ALU, ठीक है। जिसका ये आपका जो है मेन सर्किट होता है CPU का, जिसका इसको भी आपको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटलीकरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आप पुस्तक ऑनलाइन पढ़ते हैं या जो आपको प्राप्त होती है, इसको क्या बोलते हैं। iBooks, eBooks, e-library या e-learning, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको जो है e-books बोलते हैं, ठीक है जी। इसको जो है ऑनलाइन के क्षेत्र में या जो है इसको जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो भाग जो पढ़ने की जो सामग्री हमको प्राप्त होती है, इसको जो है ई बुक्स बोलते हैं। ई लर्निंग ये आप जो है एजुकेशन में आपका ई लर्न जो ऑनलाइन जो आप पढ़ते लिखते हैं, ये सभी ऑनलाइन के माध्यम से इसको जो है ई लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सभी जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के सहायता से जो आप पढ़ते लिखते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो ये सभी जो है ई लर्निंग में आती है, ठीक है जी। कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग जो है ई लर्निंग का जो है मुख्य घटक भी है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कौन सा जो है एक ईमेल क्लाइंट नहीं है, ईमेल का क्लाइंट नहीं है, तो गूगल, याहू, जीमेल या रेडिफ। तो ईमेल के रूप में याहू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो आप फ्री आप कॉस्ट यहाँ पे जो है अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। जीमेल में उपयोग कर सकते हैं, रेडिफ, ये सभी जो है ईमेल के लिए इसका जो है ईमेल के क्षेत्र में इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। ईमेल वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। बाकी जो गूगल है इसे ईमेल क्लाइंट से संबंधित नहीं है। आपसे गूगल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो गूगल आप सभी जानते हो जो है मल्टीनेशनल या जो है IT जाने माने कंपनी ही अमेरिका का, ठीक है जी। गूगल की अगर मैं बात करूं, ये जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक कौन है, तो आप सर्गी ब्रेन और लेरी पेज इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इसका जो है USA में कैलिफोर्निया में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी वर्तमान में CEO कौन है, ये हमारे भारतीय मूल के जो सुंदर पिचाई हैं, सुंदर पिचाई जो है इसके जो है वर्तमान में भी CEO हैं, इसको याद रखिएगा। ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। www.google.com किसका एक अच्छा उदाहरण है, वेबसाइट का, सर्च इंजन का, URL का या डोमेन है। आंसर किसी को नहीं पता होगा या जिन लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो ये आपका जो है वेबसाइट है करके सर्च मतलब जो करेक्ट कर देंगे। तो ऐसा कोई आंख बंद करके जो आंसर नहीं लगाना है। तो ये आपका जो है www.google.com ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका URL का उदाहरण है, ठीक है। URL क्या चीज़ है, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका होता क्या है? तो अगर मैं आन भाषा में URL को मैं अगर बात करूँ, तो URL ये आपका जो है
फुल फॉर्म तो बताया हूँ, तो खास करके एक तरह मतलब ये बोल चाल की भाषा में वेब पर मतलब जैसे वेब के रूप में इसको काम करते हैं, जैसे सर्च वगैरह कोई भी आप करते हैं तो ये URL के माध्यम से जो भी आप सर्च करते हैं उसको जो है ये जानकारी ये जो है यही जो है मेन माध्यम होते जो आप सर्च करते हैं कुछ भी हो तो ये जो URL है इसी के हिसाब से जो भी आप सर्च करते हैं यही आपका मेन। तो कहने का मतलब है कोई भी किसी भी चीज़ को जो है पता करने के लिए URL बहुत ही ज़रूरी है, आसान भाषा में समझाऊँ तो ये आपका जो है URL इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है किसका उदाहरण है तो ये आपका URL का उदाहरण है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, डेटाबेस या नेटवर्क बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जो दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं इस समूह को यहाँ पे जो है प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, जेम्स गोसलिंग को, डेनिस रिची को, चार्ल्स बेबेज को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है करेक्ट आंसर हो, इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछे, कंप्यूटर के पितामह कौन कहलाते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो ये जो है चार्ल्स बेबेज होगा इसका जो करेक्ट है। ठीक है जी, तो कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो 1820 में इन्होंने, ठीक है 1820 में जो है चार्ल्स बेबेज ने मैकमिनल, ठीक है मैकनिकल जो है कैलकुलेटर की इन्होंने आविष्कार, फिर इधर धीरे धीरे अलग अलग यहाँ पे इंजन वगैरह तैयार किए गए, फिर इन्होंने जो है एक तरह का बेस बनाया, ठीक है कंप्यूटर का, और इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसलिए जो है इनको जो है कंप्यूटर के इसको जो है परिकल्पना इन्होंने की थी, इसलिए इनको जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक जो कई बार जो है अलग अलग जगहों में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, और ये जो आपके चार्ल्स बेबेज थे ये आपके गणित के प्रोफेसर थे। ठीक है जी, और इन्होंने कंप्यूटर को सन 1822 में इन्होंने बनाया था कंप्यूटर। ठीक है जी, और धीरे धीरे जो मतलब जो है विकास होते गए, तो मतलब कई तरह से इसको उठा के क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्राइड का पहला संस्करण या नया वर्जन कौन सा है, तो 1.0, जिंजर ब्रेड, किट कैट या फ्रोजो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्राइड का जो पहला वर्जन 1.0 था। ठीक है, अगर आप देखेंगे पहले एंड्राइड आया, फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो ये सभी धीरे धीरे विकास होता है कोई भी चीज़ का। ठीक है जी, तो ये आपका जो है एंड्राइड का जो पहला वर्जन 1.0 है ये आपका 2008 में। ठीक है, इसका डेट भी पूछा गया, तो सबसे पहले एंड्राइड फ़ोन कौन से सन में आया, तो याद रखिए 2008 में जो है सितंबर 2008 में इसको जो है पहला इसका जो वर्जन जारी किया गया था। ठीक है, और ये जो है एक तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। ये जो पहला संस्करण है ये आपके 2007-08, ठीक है 2007-08 में आया था। तो ऑप्शन में जो कई बार आंसर इसका व्यापम 2008 लिया है, और जो भी 7 या 8 रहेगा दोनों में से एक लेना है आपको। ठीक है जी, तो इसका पहला वर्जन 2007-08 में आया था 1.0। ठीक है जी, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, CPU से कंप्यूटर के परिधि उपकरणों पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम या कंप्यूटर पोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटरफेसेस। ठीक है जी, तो CPU से कंप्यूटर में जो है पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है, तो इंटरफेसेस के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है कौन सी वस्तु जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होती है उपयोग में नहीं की जाती है, इंटरफेस कार्ड का, केबल का, कंप्यूटर का या मॉडेम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन सी जो लोकल एरिया जो नेटवर्क लैन का जो उपयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर इसमें यहाँ पे जो है उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी इंटरफेस कार्ड, केबल, मॉडेम इसका उपयोग किया जाता है। लैन जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है लैन वैन मैन सुने होंगे। ठीक है, तो इसका लैन का उपयोग खास करके यहाँ पे जो है मतलब पास के भवन में, मतलब कम दूरी के जो यहाँ पे जो है आप जो नेट वगैरह यहाँ पे चलाते हैं, तो कम दूरी के लिए भवन वगैरह ऑफिस के लिए इसका जो उपयोग लैन का, मतलब कम जगह के लिए जो ये जो इस नेटवर्क का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है ये जो लोकल एरिया नेटवर्क उपयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, कम दूरी के लिए इसको प्रयोग किया जाता है इस नेटवर्क का। चलिए दसवां क्वेश्चन, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग
प्रयोक्ता यूजर की सहायता के लिए होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या उपयुक्त इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता या यूजर की सहायता के लिए होता है तो इसको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यूजर के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वाईफाई जो आप यूज करते हैं, वाईफाई के फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई का कितनों लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा फुल फॉर्म। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडे वायरलेस वायर या फिडेलिटी या वायरलेस फीचर्स या वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है जी, तो आपका कई बार जो है एटीएम का फुल फॉर्म, ये बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे जो है पूछे जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। चलिए 12वां क्वेश्चन देते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर या नागवेयर। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग जो है निःशुल्क मतलब फ्री आप कास्ट कर सकते हैं, तो जो है ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग जो है आप जो है निःशुल्क यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, व्यापम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कॉमर्स क्या है। एम कॉमर्स आप सुने होंगे, ई कॉमर्स सुने होंगे, एम कॉमर्स अलग अलग कॉमर्स होंगे सुने होंगे। तो इसी तरह जो एम कॉमर्स है क्या है या एम कॉमर्स है कौन से क्षेत्र से संबंधित, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके मशीन कॉमर्स से संबंधित है, मोबाइल कॉमर्स से संबंधित है, मनी कॉमर्स से संबंधित है या मार्केटिंग कॉमर्स से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम कॉमर्स मतलब ये जो है मोबाइल कॉमर्स से संबंधित है। ई कॉमर्स सुने होंगे तो आप जो ऑनलाइन जो ऑर्डर वगैरह यहाँ पे जो ऑर्डर करते हैं, जो प्राप्त होती है प्रोडक्ट वगैरह, तो ये सभी जो है ऑनलाइन जो डिलीवरी वगैरह होती है ये सभी आपका ई कॉमर्स से होती है। उसी तरह एम कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, एंड्राइड निष्पादन योग्य फाइल, एंड्राइड जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .asp.exe.aapk या .dill। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, .apk। ये जो है एंड्राइड एग्जीक्यूटेबल फाइल के जो है एक्सटेंशन है, आपके मोबाइल में जो है ये फाइल आपका बना होगा। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, तो ये डिजिटल जानकारी को जो है इनकोड करने के लिए, ठीक है, एक तरह का जो है मॉड्यूलेट डेटा को जो है प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मॉडेम का आविष्कार किसने किया था, AT&T जो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है इन्होंने जो है मॉडेम का जो है आविष्कार किया था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड या डॉस। तो यहाँ पे GUI का उदाहरण मतलब GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका एंड्रॉइड का उदाहरण है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या उपयुक्त सब। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है मतलब ये इस तरह का है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रकार के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क जिसको टोपोलॉजी बोलते हैं, इसका वैकल्पिक नाम क्या है, इसको मैश बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, ट्री बोलते हैं या रिंग बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है इसको मैश बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार ट्री रिंग वगैरह इसको जो अगर पूरा डिटेल पढ़े होंगे तो तभी इसके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ये इसका वैकल्पिक क्या नाम है, इसको जो है हम मैश बोलते हैं। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, और इसी तरह बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।